आइए आज हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हम भगवद गीता क्यों नहीं समझ पाते। आप माने या ना माने, हम लोग कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, तभी तो हम उनके आध्यात्मिक रूप को मानने से इनकार कर देते हैं और कह देते हैं कि कृष्ण भी हमारी तरह कोई इंसान ही है, और कुछ लोग उनको निराकार बता देते हैं। यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि कृष्ण का रूप हमारी तरह भौतिक नहीं है, अपितु 3 गुणों से परे आध्यात्मिक है। अधिकांश व्यक्ति यहीं पर अटकते हैं कि अगर उनका रूप है तो वे असीमित कैसे हो सकते हैं, परंतु ईशोपनिषद का मंत्र 8 बताता है वे एक स्थान पर होते हुए भी किसी दूसरी जगह भोग प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ भौतिक रूप ही समझ पाते हैं, इसलिए कृष्ण के आध्यात्मिक रूप को भी हम अपने भौतिक चश्मे से देखकर उनको सीमित बता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रह्म संहिता बताती है कि कृष्ण अपने किसी भी अंग से किसी भी अन्य अंग की क्रिया कर सकते हैं। वे अपनी आंखों से खा सकते हैं और हाथों से चल सकते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को गीता बताने से पहले बोलते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए यह रहस्य आपको बता रहा हूं। आजकल के दर्शनवादी तो कृष्ण पर भरोसा ही नहीं करते, तो वो गीता खुद क्या समझेंगे और क्या आपको समझेंगे। भगवत गीता का ज्ञान एक रहस्य है। विश्व का हर दार्शनिक गीता पर अपनी अभिव्यक्ति जरूर व्यक्त करता है, पर हर कोई उसमें अपने मत को बताता है। कृष्ण का मत क्या है वे ये नहीं बताते। कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि भक्ति से आप मुझे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, परंतु वे ये बात व्यक्त नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें ज्ञान परंपरा से ही लेना चाहिए। जब हम किसी स्कूल या कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तब देखते हैं कि यह स्कूल या कॉलेज किसी ऑथोराइज्ड बोर्ड से प्रमाणित है या नहीं। हम लोग भौतिक ज्ञान के प्रति इतना सजग रहते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति हमें इतने लापरवाही क्यों बरतते हैं। हमें शास्त्रों के आधार पर पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार शुद्ध ज्ञान को ही प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो आज हम किसी एक व्यक्ति की मानसिक अभिव्यक्ति को अपना रहे हैं तो कल किसी और को अपनाएंगे, और ये चलता ही रहेगा और हमारे जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ हो जाएगा। हमारी सफलता नए दर्शन प्रस्तुत कर लोगों को भ्रमित करने में नहीं है, अपितु वर्षों पूर्व भगवान कृष्ण ने जो आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को दिया था उसको बताने में है, क्योंकि वह ज्ञान मानवता के लिए था। उस स्थिति से आज हर व्यक्ति गुजरता है। कैसे हम भगवान को याद करते हुए संसार की विषम परिस्थितियों को निर्वाह कर सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं, गीता हमें यही समझाती है।